नमस्कार, मनोदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, जिसका ये पहला वीडियो है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था। तो रुपये का जो सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ था वो 20 सितंबर 1949 को हुआ था। फिर दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ था 6 जून 1966 को, और फिर तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1 जुलाई 1991 को। तो रुपए का पहला अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949, दूसरी बार हुआ था 6 जून 1966 को, और तीसरी बार हुआ था 1 जुलाई 1991 को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों के द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो उस अकाउंट को कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट्स। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो भारत में जो मुद्रा स्फीति की गणना होती है वो थोक मूल्य सूचकांक पे आधारित होती है। नेक्स्ट है कि किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में क्या होती है? गिरावट होती है। तो उसका आंसर है कि मुद्रा संकुचन या अवस्फीति की स्थिति में क्या होगी? मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या होती है? गिरावट होती है, मुद्रा संकुचन या अवस्फीति की स्थिति में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? यानी मुद्रा की मात्रा को जानबूझ के कम किया गया है, उसे कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू, जिसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी। जीडीपी को कहते हैं सकल घरेलू में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा है 13.67%। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 50-51 में कृषि का योगदान था 52.2%। नेक्स्ट है कि रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुआई है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी क्या है? रबी की फसलें हैं जिनको बोया जाता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। नेक्स्ट है कि खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है जून, जुलाई में। नेक्स्ट है कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं? तो खरीफ की फसलों में है ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली और अरहर, ये सभी क्या होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। और जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के बीच में जो फसलें पैदा की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? जायद की फसलें। जायद की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं? तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशुचारा, ये सभी क्या हैं? जायद की फसलों में आते हैं। नेक्स्ट है कि व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? तो व्यापारिक या नकदी फसलें हैं कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट और तंबाकू, ये सभी क्या हैं? व्यापारिक या नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तो हम सबसे ज़्यादा उत्पादित करते हैं खाद्यान्न में चावल को। नेक्स्ट है कि देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो सर्वाधिक उपयोग होता है नाइट्रोजनी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो ये अपने भारत को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबड़ के उत्पादन में है भारत का चौथा स्थान। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अगर प्रति हेक्टेयर आता है उत्पादन में तो भारत का पहला स्थान है, और वैसे आता है विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? तो वो उसका नाम है गेहूँ। हरित क्रांति में से किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो गेहूँ में हुई। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में, अंगूर की क्या है? प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं?
तो मोटे अनाज में आते हैं बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ। नेक्स्ट है कि कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ट्रैक्टर्स के उपयोग में भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट है कि काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है अपना भारत। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट है कि कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो कुल पशुओं की संख्या में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पे है? दूसरा तो अपना भारत है और पहले स्थान पे है ब्राजील। नेक्स्ट है कि अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश भी अपना क्या है? भारत है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड है दूध से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार। नेक्स्ट है कि विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान है छठा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान है छठा। तो इन नामों में आप कन्फ्यूज मत होना, समुद्री मत्स्य उत्पादन में तो छठा स्थान है और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है कि मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती हैं? तो मोती देने वाली मछलियाँ मन्नार की खाड़ी में पकड़ी जाती हैं। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो सर्वाधिक समुद्री मछली हैं वो गुजरात में पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है कि ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो समुद्री मछलियाँ तो पकड़ी जाती हैं गुजरात में और ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं पश्चिमी बंगाल में। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो वो है पश्चिमी बंगाल। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी भारत में पहले। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो 1770 में की गई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो क्या है भारत का सबसे पहला बैंक है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो 1806 में की गई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? तो 1840 में की गई थी। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो 1843 में की गई थी। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? तो इन तीनों बैंकों को एक कर दिया गया और बनाया था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इन तीनों को विलय करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया और ये किया गया था 1921 में। नेक्स्ट है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में। ये कुछ अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और क्वेश्चन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।